फ्रेंड्स नमस्कार, पूजा किचन में आपका वेलकम है। मेरी ओर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली है तो दिवाली पर कुछ मीठा तो ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए आज हम बनाएंगे रसमलाई। तो आइए देखते हैं रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। रसमलाई बनाने के लिए हमने 2 किलो फुल फैट मिल्क लिया है, 1 किलो दूध से हम बनाएंगे रबड़ी और 1 किलो दूध से हम पनीर बनाएंगे। हमने लिया है नींबू का एक बड़े नींबू का रस लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है, बेकिंग पाउडर लिया है, केसर के 10-12 धागों को हमने दूध में 30 सेकेंड माइक्रोवेव कर लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता लिया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और इलायची पाउडर लिया है। 2 कप हमने शुगर ली है। रसमलाई बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध पनीर बनाने के लिए लिया है और 1 किलो दूध हमने रबड़ी बनाने के लिए लिया है। तो आइए शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। हम अपने पनीर वाले दूध को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं होना शुरू हो जाएगा ये, और जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा हम इसमें नींबू डालकर दूध को फाड़ेंगे। और रबड़ी बनाने के लिए जो हमने दूध लिया है इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे लग ना जाए तले में। देखिए हमारा दूध अब बॉयल होने लगा है। अब हम इसका पनीर बनाएंगे। इसको हम अब बंद कर देते हैं अपनी गैस को, और अब इसमें ये हमने 1 नींबू का रस लिया है और उसमें हमने 1/2 कप पानी डाला है। हम धीरे धीरे करके इस रस को अपने दूध में डालेंगे। हल्के से इसको धीरे से चलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अपना नींबू का रस और मिलाएंगे। और इसको हल्के से हम इसको चलाएंगे। देखिए अब धीरे धीरे दूध पकने लगा है। इसको धीरे से चलाना है तो बहुत अच्छा पनीर बनेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इस तरह से सारा नींबू का रस इसमें डाल देंगे और हमारा अच्छा पनीर बन जाएगा। देखिए अब हमारा पनीर बन चुका है। अब हम इसको एक मसलन क्लॉथ में छन्नी में निकाल लेंगे। हम इसको इस तरह से वॉश कर लेंगे और ठंडे पानी से, और फिर 1/2 घंटे के लिए हम इसको हैंग कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसके रसमलाई बनाएंगे। रसमलाई बॉल्स के लिए अब हम अपना शुगर सिरप बनाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने 5 कप पानी लिया है और 2 कप शुगर ली है। तब तक कुक करेंगे जब तक कि शुगर इसमें डिसॉल्व ना हो जाए। अब हम अपने पनीर को ले लेते हैं जो हमने हैंग किया था। 1/2 घंटा हमने इसको हैंग किया था। हमारा पनीर बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो रसमलाई के बॉल्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसको अच्छी तरह से इस तरह से अपनी हथेली से इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से।
5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से मैश करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें एक पिंच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मैश करेंगे। हमारा पनीर बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए पनीर में, तभी अच्छे रसमलाई बनेगी। और बेकिंग पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छी जालियाँ आ जाती हैं। अब हम अपने पनीर बॉल्स बनाते हैं। पनीर बॉल्स बनाने से पहले हम अपने हाथ में थोड़ा सा घी या आप कोई भी घी तेल लगा लीजिए और थोड़ा सा डो अपने हाथ में लीजिए, पनीर डो, और उसको हल्के हाथों से इनके बॉल्स बनाइए। इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए और ये हमारा पनीर का रोल तैयार हो गया है। इस तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। पनीर के सभी बॉल्स हम इस तरह से बना लेंगे। अब हमारी शुगर डिसॉल्व हो चुकी है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप जो है वो हम इसमें से अलग निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में हम उसमें अपने पनीर बॉल्स डालेंगे। इस शुगर सिरप में हम बाद में अपने पनीर बॉल्स डालेंगे। अब हम इसमें बहुत सावधानी के साथ अपने जो हमने पनीर के बॉल्स बनाए थे धीरे से वो डाल देंगे। अब हम इनको 10 मिनट्स के लिए इसमें कुक करेंगे। देखिए हमारे पनीर बॉल्स जो हैं कितने अच्छे से कुक हो रहे हैं। 10 मिनट्स और पकाएंगे, उसके बाद हम इन्हें 5 मिनट और पकाएंगे। देखिए हमारे रसमलाई बॉल्स जो हैं, देखिए वो किस तरह से कितनी अच्छी तरह से बन गए हैं और ये साइज में भी डबल हो गए हैं और बिल्कुल भी कहीं से भी ये टूटे नहीं हैं। अब हम इनको 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। हमने ठंडे पानी में 1/2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च जो है वो मिक्स किया है और अब हम इसमें इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको 5 मिनट तक और कुक करेंगे। अब हमारे रसमलाई बॉल्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको शुगर सिरप में निकालेंगे। जो हमने शुगर सिरप निकाला था हम उसमें इनको निकाल लेते हैं। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इलायची पाउडर डाल के। देखिए हमारी रबड़ी का कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। केसर और इलायची की खुशबू मिलकर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
देखिए हमारी रबड़ी अब बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें 4 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी हमारी रबड़ी। अब हमारी जो रसमलाई बॉल्स हैं वो बन चुके हैं, अब हम इनको 6-7 घंटे तक हम शुगर सिरप में रखेंगे और उसके बाद हम इसको रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। कि अब 6 घंटे हो चुके हैं, हमने 6 घंटे इनको शुगर सिरप में अपने पनीर बॉल्स को जो हमने बनाए थे रसमलाई के लिए उनको हमने शुगर सिरप में रखा था। देखिए हमारे पनीर बॉल्स जो हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। अब हम अपने पनीर बॉल्स को रबड़ी में डालेंगे, देखिए इनको इस तरह से इसको इसमें से देखिए कितने अच्छे से हमारे रसमलाई बन चुकी है। अब ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है, देखिए हमारी रसमलाई अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गार्निश कर देते हैं पिस्ता से। और अब हम इसको 10 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारी टेस्टी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।